सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ एक सर्कल के अंदर सीनरी, काफ़ी अच्छा सा बनेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर राउंडर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। आप चाहे तो राउंडर की जगह किसी और भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्केल ले ली है, और यहाँ पर मैं सीनरी में एक छोटा सा विंडो को बनाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विंडो की आउटलाइन बना रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं अपने एक लकी सब्सक्राइबर का नाम बताने वाला हूँ। तो शायद से वो नाम आपका भी हो सकता है। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को पूरा वॉच करना है, कुछ अच्छा सा कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है, तो आपका भी नेम मेरी वीडियो के लास्ट में आ सकता है। और यहाँ पर मैंने वीडियो की आउटलाइंस बना ली है, और आपको सेम जैसे मैंने बनाया वैसे कॉपी करना है, तो आपकी भी ड्रॉइंग एकदम सेम मेरे जैसी बनेगी। तो इसमें मैं किसी भी कलर का नहीं यूज़ करूँगा, मैं नॉर्मली पेंसिल से पूरा स्केच करने वाला हूँ। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं यार नए ड्राइंग किस टॉपिक पे बनाऊँ। और आप लोग कमेंट नहीं करते तो गाइस प्लीज़ कमेंट किया करो अच्छे से अच्छे, जिससे मुझे और भी अच्छे से आइडियाज़ मिले, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे से ड्राइंग्स बना सकूँ। तो यहाँ पर मैं विंडो के अंदर का मिरर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं वॉल्स की आउटलाइन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे एक दीवार है और उसमें एक विंडो को शो करने का ट्राई किया है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं वॉल्स की आउटलाइन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोग को भी बोर ना हो। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं अपनी वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो अब बारी है यहाँ पर ब्रिक्स को ऐड करने की। तो यहाँ पर मैं ब्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ। सिंपली आपको बस लाइन टू लाइन मारना है। और गाइस, ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और लोगों तक शेयर करना, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। सो लगभग मैंने पूरे वॉल्स पे ब्रिक्स बना दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर नाइट का सीन बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मून बना रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एक वाटर बॉटल की एक ढक्कन का यूज़ किया था। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक फ्लावर पॉट, सिंपल सा बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें कुछ प्लांट्स और फ्लावर्स ऐड कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको सेम ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे मैंने किया है। मैंने यहाँ पर नॉर्मली लाइंस ड्रॉ की थी और उस पर ऐसा लीफ टाइप का पेंसिल से स्केच कर दिया था, एकदम आपको डार्कर कर देना, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और गाइस, बात करें फेस रिवील की, तो फेस रिवील में बहुत जल्द करने वाला हूँ। वो गाइस मेरे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, इसके लिए मैं फेस रिवील नहीं अभी कर पाया, पर अप्रैल तक मैं पक्का फेस रिवील कर दूँगा। और यहाँ पर मैंने एक कैट को ऐसा बैठे हुए दिखाया है, तो यहाँ पर मैंने कैट को ड्रॉ कर लिया और उसको मैं स्केच कर रहा हूँ। पूरी पेंसिल से आपको डार्क करना है। और मून के लिए सिंपली आपको लाइटली शेड करना है, और उसको आपको हाथ से रफ कर सकते हो, या तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। और यहाँ पर मैंने ब्रिक्स को शेड करने के लिए नॉर्मली पेंसिल का यूज़ किया है। मैं इसको हल्के हल्के से शेड करूँगा, फिर हाथ से उसको ब्लेंड कर देंगे। आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस आपको पॉट में भी करना है। और अब बारी है ब्रिक्स को हाईलाइट करने की। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, जो आपने ब्रिक्स की लाइन ड्रॉ की थी उसमें आपको साइड साइड में ऐसे ट्रायंगल शेप में खाली ब्लैक डॉट्स लगाने हैं। आप चाहे तो बस डॉट्स भी लगा सकते हैं, जिसमें इसमें काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक लुक आएगा। आप सेम ऐसा ही कर सकते हैं जैसे मैंने किया, तो लगभग रियलिस्टिक लुक का काम हो चुका है। अब बारी है विंडो को शेड करने की। तो विंडो के लिए हम टू लेयर्स में काम करेंगे। सबसे पहले आपको लाइटनिंग शेड करना है, और दूसरी वाली में थोड़ा सा डार्क करना है। तो यहाँ पर लाइट से डार्क आपको शेड करना है। नॉर्मली पेंसिल को ऐसा स्लाइड करके हल्का सा उस पर पेंसिल आपको घुमानी रहती है। और गाइस, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम अपनी ड्राइंग कैसे अच्छी करें। तो गाइस कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अच्छी प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में सबकी ड्राइंग ख़राब होती है, पहले मेरी भी ख़राब होती थी। तो लगभग ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। सो ड्राइंग का फाइनल लुक अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसे लगी। सो अब बारी है हमारे लकी सब्सक्राइबर का नाम अनाउंस करने की। तो आज के लकी सब्सक्राइबर है रेखा बंकर। सो थैंक यू सो मच रेखा बंकर जी, आपका हमारी वीडियो पर इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। और आप भी हमारी वीडियो में अपना नाम ऐसे ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।